हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मित्र महेश चंद्र मौर्य। हमको एक रेस्क्यू कॉल आई आज की कॉल, श्री अयोध्या धाम से गोविंद आश्रम से आई हुई है और हम रेस्क्यू करने के लिए सांप को मौका पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं कौन सा सांप है। भाई महाराज जी कितना कितना आराम करते हैं। हेलो हेलो महाराज जी, इधर गए हैं इधर बैठ। हां हां मांग है, चलो चलो आइए। यूं तो करके पापा हां जी इधर है। आइए हम लोग यहां आइए। अरे कोई कुछ गाड़ी है ठीक है। हम आवाज के हां गाना सुना क्या हाँ भाई। आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडियन रसद सवाई का। सॉरी, ये इंडियन रेड स्नेक है और यहाँ पे आश्रम पे आया हुआ है, लेकिन लोग भयभीत हुए हैं। अब देखते हैं। अरे बाबा तू क्या कर रहा है? अरे अरे आई तो लेके चलते हैं बाहर। हेलो चलिए। अरे आप कस के पकड़ के देख रहे हैं इंडियन रेड स्नेक, जो नाम विनिमय बिना जहर वाला सांप है। ये ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता, इसमें जहर नहीं है। जी सर, ये जहरीला सांप नहीं है, इसके काटने से कुछ नहीं होता। अगर कोई भी सांप किसी को बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो आप झाड़ फूंक न कराइए। आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए और अपना आधार कार्ड लेके, वहाँ पे फ्री इलाज होता है। और आप किसी झाड़ फूंक के चक्कर में जाएंगे तो मौत हो सकती है। हालांकि ये बिना जहर वाला सांप है, इसके काटने से कुछ नहीं होता। नॉन वेनियस इनके इनके ब्रेन में सेरिबल हेमिस्फीयर नहीं होता, जिसलिए ये सीखने की क्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते और कोई भी सांप पालतू नहीं बनाया जा सकता। ये पर्यावरण के दोस्त हैं, यूको फ्रेंड हैं, पर्यावरण को संतुलित रखने में हम लोगों का सहयोग करते हैं, चूहों को नियंत्रित करते हैं। एक ना ये छोड़ दो भाई, एक जोड़ा चूहा 360 बच्चों को जन्म देता है और जिसको ये खा करके नियंत्रित करता है। वही वही डिब्बा खोज के दे रहे हैं और उनके अच्छा थैलम पर्यावरण में इन्हें हम ले आके थैलम थैलम डिब्बा भाग दें भैया। मुहावरा नाम का खींचता भैया तो देख रहे हैं आप, ये हमको बांध रहा है। इसी प्रकार शिकार को जकड़ के से मार देता है, इसके बाद क्या करता है देख रही है। हम नहीं, ये हमको पकड़ा हुआ है। इधर दिखाइए लाइन।
कपड़ा है ना, काट लेंगे भैया। क्यों मार घरे बैठे तो बड़े मोटे रहे ले जाओ सुन भैया नमाज लग रहा जी ताज इसका है ताज आसन पे लेके रखा हुआ है मुझे वहाँ पे आसन से आपको निकाला आपको कैसा लग रहा है हमको बहुत अच्छा लग रहा है भगवान आज इसे इंसान को धरती पर भेजते रहे ताकि इनके द्वारा जो व्यक्ति को दुख पैदा होता है जो भय पैदा हो तो वो भय और दुख दूर हो जाए और इनका जीवन भी सुरक्षित रहे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देखिए गुरुदेव का कितना सुंदर भाव है कि जीव बचाने के कार्य करते हैं नेत्र जाते तो इसको लोग मार देते लेकिन गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया गुरुदेव ने इन लोगों को रोका और हमको रेस्क्यू करने के लिए बुलाया और इनको हम इनके नेचर पर्यावरण में रिलीज कर देंगे और अब इन्हें हम लेके चलते हैं